जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 38। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको ज्ञान योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन क्या तुम जानते हो कि यह आत्मज्ञान कितना महान है? इस आत्मज्ञान के बराबर कुछ भी नहीं है जो हमें शुद्ध कर सके। तुम जानते हो कि यह आत्मज्ञान क्या करता है? यह सभी पापों को समाप्त कर देता है। इसीलिए तुम अपने आचार्यों के पास जाओ और उनके आशीर्वाद से उनसे आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करो और उस आत्मज्ञान को अपने मन में दृढ़ता से स्थापित करो और अपने कार्यों को करते समय इसे लागू करो। इससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और तुम ज्ञान योगी बन जाओगे। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमें अपने सभी कर्तव्यों को आत्मज्ञान के साथ करने और ज्ञान योगी बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को सुनते समय आइए हम आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आचार्य के पास जाएं और अपने प्रत्येक गतिविधि में उस आत्मज्ञान को लागू करना शुरू करें। फिर समय आने पर हम ज्ञान योगी बन जाएंगे। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करते समय आइए हम सभी परमात्मा के शब्दों को इस प्रकार दोहराएं। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन्नारायण। ये हैं हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन्नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन्नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन्नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन्नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा,
हे श्रीमन्नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं माम एकम शरणम व्रजा 1866 कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन्नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन्नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचा 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं, मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है, मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा आठवां वादा, हे श्रीमन्नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया, मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने आठ वादे किए हैं। श्रीमन्नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अधिक विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन्नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूंगी और केवल आपके लिए काम करूंगी। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है श्रीमन्नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। ओम। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन, हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस नाम स्त्रोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज़ पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।